हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का हिंदी की इस क्लास में स्वागत है। बीए पार्ट फर्स्ट की, पेपर सेकंड की इस क्लास में हम लोग जमीन से हटकर कहानी पढ़ रहे हैं। कल के मेरे वीडियो में मैंने बाद में सुना कि बीए पार्ट सेकंड बोल दिया था मैंने गलती से। उसको हालांकि ब्लैक बोर्ड पर मैंने दुरुस्त कर दिया, यूट्यूब में डालते वक्त, अपलोड करते वक्त भी दुरुस्त कर दिया, लेकिन जो मैं बोल चुकी थी उसको एडिट करने का कोई उपाय नहीं था। आप लोग समझदार हैं, लिखा हुआ पढ़ ही लिया होगा। ये फर्स्ट ईयर में चलती है सेकंड पेपर में कहानी। ये कहानी ही नहीं, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में कहानी और उपन्यास है। तो अभी हमने उपन्यासों को छेड़ा नहीं है, उपन्यास को जो हमारा उपन्यास है उसका नाम है धूल पौधों पर, गोविंद मिश्र द्वारा रचित है, बाद में करेंगे। जमीन से हटकर कहानी इस वक्त हम कर रहे हैं। हेतु भारद्वाज द्वारा लिखी हुई है। हेतु भारद्वाज अभी भी लिख रहे हैं, हमारे आपके बीच में है। प्रगतिशील लेखक संघ के राजस्थान इकाई के वो अध्यक्ष रहे, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंतर्गत हिंदी का उन्होंने अध्यापन कार्य किया और कुछ किताबें भी उनकी प्रकाशित हुई है। अक्सर एक पत्रिका है जो जयपुर से छपती है, उसके वो प्रधान संपादक है इस समय। और ये जमीन से हटकर कहानी राजस्थान की पृष्ठभूमि पर ही लिखी गई है। गंगाधर और विद्याधर की बात हम कर रहे थे। गंगाधर एक बार गांव गया हुआ था, लोगों ने उसके साथ, उसके हमउम्र मित्रों ने उसके लिए स्पेशल कलर्स, रंग गुलाल, अबीर लिए और होली खेलने आए, तो उसने तो झिड़क दिया, जिसे बुरी तरह झिड़का, लोग चले गए और नाग वो भी सिकोड़ी कि चलो भाई चलो, यहाँ तो अफसर रहता है, मीनक खेलते हैं, होली तो मनुष्य खेलते हैं। वह चुप रहा था पूरे गुस्से में, इसलिए गांव वालों ने उसे कोई सम्मान नहीं दिया। इसने इन सब बातों में लड़ना जरूरी नहीं समझा। कुछ लोग बड़े वो हो जाते हैं कि कौन कीचड़ में ईंट फेंके, अपन सोफिस्टिकेटेड, बात तो उसके लिए बोली जा रही थी तो वो लड़े भी क्या। वह भी तो उनसे घृणा ही करता था, अगर गांव वाले उसको प्यार नहीं दे रहे थे, इसका कारण भी वही था, क्योंकि उसके पैरों में विशिष्ट वर्ग के पंख लग गए थे। वो अपने को उच्च वर्ग का समझने लगा था, उसमें भी विशिष्ट वर्ग का, सरकार की प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों में गिरने लगा था। विवाह के बाद उठने वाले दो हो गए थे और दोनों ने पीछे और नीचे की ओर देखना छोड़ दिया था। पहले अकेला था जब आरएएस का प्रशिक्षण लेने गया था ओटीए में, बाद में दो जने हो गए शादी के बाद, तो इन्होंने न पीछे देखना जरूरी समझा न नीचे। पीछे यानी अतीत की तरफ, नीचे जमीन पर हकीकत यथार्थ आसमान की शहर में लग गए। उनके लिए तो बस क्लब था, पार्टियां थी, पिकनिक पार्टियां थी, शिष्टाचार के नए तौर तरीके थे और ब्रिज तथा हाउजी जैसे खेल थे। पार्टियों में जाना इनकी जिंदगी थी, पिकनिक पार्टियों में जाना शिष्टाचार के नए तौर तरीके, हालांकि आ जाएंगे तो थीम पार्टी होगी, कपल डांस करना है, कपड़े ऐसे पहनने हैं, हाउजी एक ग्रुप खेल होता है उसमें हिस्सा लेते थे, ब्रिज ताश के खेल में हिस्सा लेते थे, गिल्ली डंडा, छुपम छुपाई, चोर सिपाही जैसे खेल तो वैसे भी बचपन में ही होते हैं, लेकिन बड़ी पार्टियों के लिए जो तामझाम चाहिए वो उच्च वर्गीय तामझाम इन्होंने सीख लिए। उसी उड़ान में उनके घर नई क्रॉकरी, रेडियोग्राम, कुकर, सोफा, कूलर जैसी चीजें बढ़ती जा रही थी। इस तामझाम में क्या चाहिए भाई, घर में वैसा ही सारा सिस्टम चाहिए, खाना सब जमीन पे बैठ के क्यों खाए, डाइनिंग हॉल, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट होने चाहिए बैठने के लिए, साधारण मुंडे पाटा पीड़ा नहीं चलेगा, रेडियोग्राम उस समय बड़े वाले रेडियो का सेट आता था, खाना गैस पे बनेगा, कुकर में बनेगा, ये कढ़ाई, बटलोई, चूल्हा पुराने जमाने की चीजें हो गई,
नई क्रॉकरी आ गई डिनर सेट खाना खाने, हालांकि करते हैं तो उसमें लंच भी है लेकिन कहते हैं इनको डिनर सेट है, जिसमें एक प्लेट कटोरी चम्मच एक जैसा सा होता है सब चीजें, पर चीजें घर में आती चली गई। पिछले माह ही उन्होंने डाइनिंग टेबल और कुर्सियों का सेट बनवाया था। घर में फर्नीचर तो पहले ही काफी था मगर इसका अभाव खटकता था क्योंकि उसकी सर्किल में सभी के घर इनसे सजे थे। घर में चीजों की कमी नहीं थी, घर भरा हुआ था लेकिन सबके घर में डाइनिंग टेबल है, सब वैसे ही रहते हैं तो इनको भी रहना था। आज उनकी अब उनकी नजर फ्रिज पर थी, अब उनको फ्रिज चाहिए था। उस जमाने में फ्रिज बहुत कम लोगों के घर में होता था। उसकी पत्नी को फ्रिज के मामले में कई बार अपमानित होना पड़ा। बहुत जरूरी चीजों में है फ्रिज, वैसे गांव में किसी एक के घर में फ्रिज हो तो बहुत लोग बर्फ मांगने उनके यहाँ जाते रहते हैं। तो इनकी पत्नी के साथ एक आध बार कोई ऐसा वाकया हुआ होगा कि कोई चीज ठंडी खानी है और उसमें बर्फ डालनी है, किसी से मांगनी पड़ी होगी, ऐसा उल्लेख नहीं है लेकिन कहा गया है कहानी में कि कई बार अपमानित हो चुकने के बाद पत्नी ने सोच लिया कि फ्रिज होना चाहिए। स्कूटर बुक करा रखा है, बुक कराना पड़ता है, जैसे हम लोग अभी फोन बुक कराते हैं, कार बुक कराते हैं, स्कूटर भी बुक कराया जाता था। एक टाइम में बजाज के स्कूटर के लिए एक एक दो दो महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती थी चेतक के लिए। अभी सुना है नए फॉर्मेट में फिर से लॉन्च हो रहा है वो, तो स्कूटर इन्होंने बुक करा रखा है, चाहता है उसे जल्दी मिल जाए, सोच रहा मिल जाए। साइकिल पर जाते हुए उसे बड़ा बुरा लगता है, साइकिल अभी आपको भी बुरा लग रहा होगा कि आरएएस अफसर होकर साइकिल चलाता है। जिस समय ये कहानी लिखी गई थी उस समय साइकिल बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, सबके पास साइकिल भी नहीं होती थी, लोग कहीं जाने के लिए साइकिल भी किसी की मांग के ले जाते थे, शायद देहातों में कहीं ना कहीं अभी भी मांग लेते होंगे। लेकिन आजकल जो काम कार और बाइक करती है, किसी टाइम में साइकिल भी इस तरह किराए पे भी मिलती थी साइकिल चलाने के लिए। तो इसने फील किया कि साइकिल पे जाना ठीक नहीं लगता। आज अतिरिक्त जिलाधीश शर्मा के लड़के का जन्मदिन है, पार्टी तो बहाना है, वहां उपहारों की प्रतियोगिता होगी। जिस शर्मा जी के जाने की बात कर रही थी वो अतिरिक्त न्यायाधीश है, वो जज है कोर्ट में, उनके बेटे का बर्थडे है और पार्टी तो ऐसे प्रोग्राम्स के लिए बहाना होती है। वहां पर उपहारों की कंपटीशन होगी, कौन कितना महंगा उपहार जज साहब के बच्चे के लिए लाया है। सारे अफसर सब परिवार पिकनिक पर जाएंगे राजसमंद, कभी सारे पिकनिक पे जाते हैं सब परिवार, अफसर पत्नी हो तो पति और बच्चे जाएंगे, पति अफसर हो या दोनों अफसर हो तो परिवार सहित। वहां साड़ियों की नुमाइश, कौन पिछली बार वाली साड़ी नहीं पहनी है, पिछली बार किसकी ज्यादा महंगी थी, इस बार किसकी ज्यादा महंगी है और किसकी साड़ी ज्यादा सुंदर है। इनके पास सामाजिक टॉपिक के नाम पे कुछ नहीं होता, कपड़े गहने जूते जेवर पर्स चूड़ियां कौन से ब्रांड का है, कहां से लिया, कितने में मंगवाया, यही बातें। और इसी जिंदगी के अनुरूप स्वयं को डालने के चक्कर में वह भूल गया कि वह गांव में जन्मा है, फूस के टापरे में काला धुआं फेंकती ढिबरी की रोशनी में पड़ा है, रेत के धोरे पर रातों को सोया है, लंबे अरसे तक उसने रोज सुबह छाछ और सूखी रोटी का नाश्ता किया है। इस तामझाम भरी जिंदगी में वो भूल गया कि वो ये सब अब जीने लगा है और ये सब नकली है। नकली तो क्या है लेकिन इन सुविधाओं के पीछे की असलियत बहुत खोखली होती है। जिनको साथ लेकर चलने से यह असलियत असली लगती, थोड़ी सुखकर लगती, उनको तो वो पीछे छोड़ आया। माँ और भाई को उसने थोड़े भी सुख दिए होते तो इन फिजूल खर्चों की हिमायत भी की जा सकती थी। ऐसी दिखावे की जिंदगी के चक्कर में वो भूल गया कि उसका जन्म गांव में हुआ था, बड़े महल में नहीं, फूस की झोपड़ी में, काला धुआं जो चिमनी फेंकती रहती है उसकी रोशनी में वो पड़ा था और रेत के धोरे पर रात को सोता था, रेत के जो टीले होते हैं खेतों में उस पे सोया हुआ था। सोच अभी भी सो जाते हैं जो खेतों में काम करते हैं, नीचे बड़ी अच्छी नींद आती है। लंबे अरसे तक नाश्ते में उसने कोई प्रोटीन रिच डाइट नहीं ली थी, छाछ में रूखी सूखी रोटी रात के डुबो के वो नाश्ता करता था।
अब भी विद्याधर का पत्र आया है और उसे एहसास होता है कि उसकी बूढ़ी माँ और विद्याधर उसे टापरे में दिन काट रहे हैं। डिबरी की काली कब्जी उस कोठरी में झोपड़ी में फैल रही है। विद्याधर अब भी छाछ और ठंडी सूखी रोटी का नाश्ता कर रहा है। जो चीजें वो छोड़ आया उसकी चिट्ठी से याद आया कि अब भी विद्याधर उसी फूस की टापरी में रहता है। अब भी चिमनी का काला धुआं झोपड़ी की दीवारों को कालिक में बदल रहा है और अब भी उसका भाई छाछ और सूखी रोटी का नाश्ता करता है। धूल भरी लू वे लोग अब भी उसी टापरे में झेल रहे हैं। कोई एसी और कूलर तो छोड़िए, पंखा तक नहीं है उनके पास। वो धूल भरी आंधियों में दूर सुदूर देहात में आज भी वैसा ही कठिन जीवन जी रहे हैं। जब भी उससे उसके निवास का नाम पूछा जाता है वह कहता है काछेरा। बातचीत चलती है लोगों से तो लोग पूछते हैं शर्मा जी आप कहाँ के हैं, तो अपना गांव बताता काछेरा। मगर मानसिक रूप से वह कभी का काछेरा से अलग हो चुका है, लेकिन सच ये है कि दिल से उसने अपने गांव काछेरा को कब का ही छोड़ दिया है। उसे यह भी एहसास होता है कि अब वह कहीं का नहीं रह गया है। साथ में उसको यह भी फील होता है कि काछेरा तो क्या, वो कहीं का भी नहीं रह गया। काछेरा उसने छोड़ दिया, वहां के लोग उसको नहीं जानते, ये वहां के लोगों को प्यार नहीं करता, इसलिए काछेरा से तो क्या ही लेना देना। और जिस जगह जगह में भी है वहां से बार बार तबादले होते रहते हैं, कहीं 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 जाकर वो जोड़ नहीं पाता। कहते हैं तंबू में एक ईंट गाड़ो तो दूसरी उखड़ी रहती है। अलग अलग शहरों में जिस तरह से घर बसाता है तो कोई भी शहर इन लोगों का अपना नहीं होता, और अपने गांव को तो इसने खुद ने ही नहीं अपनाया, तो इस तरह से ये कहीं का भी नहीं रह गया है। कहानी के आगे का हिस्सा हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे, अंतिम भाग होगा वो। जहां तक मैंने आज पढ़ाया है बहुत ही छोटा हिस्सा पढ़ाया है, इसको आप सुनिएगा समझिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा।